अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम टू नबीसा किचन टिप्स एंड ट्रिक्स। आज हम बिगनेस रेसिपी बनाएंगे। आप लोग कहेंगे कि किसी को वाइट राइस पकाने क्या नहीं आएगा क्या, ऐसा सोच के? ऐसा नहीं है, ये खास तौर पर बिगिनर्स के लिए है। जो बिल्कुल भी कुकिंग नहीं जानते हैं उनके लिए वाइट राइस को, नॉर्मल राइस आप जो भी घर में बनाते हो उसको साफ करके हाफ एन आवर के लिए धोकर अच्छे से 3 से 4 पानी से धोकर भिगो के रखा हुआ है। और लिया है हमने सॉल्ट, 1 kg राइस है ये, इसके लिए 2.5 स्पून सॉल्ट लिया है। और चलिए अब इसको हम कैसे बनाते हैं देखते हैं। अब हमने स्टोव पे एक बर्तन लेके, इसमें हम इस बर्तन में 1 kg का वाइट राइस आराम से पक जाएगा। इसमें हाफ से थोड़ा बढ़कर हमने पानी बॉईल किया हुआ है। इस पानी को अच्छे से बॉईल होने देंगे। बॉईल होने के बाद हम इस राइस को इसमें ऐड करेंगे, ठीक है? बॉईल होने देते हैं हम इस पानी को और थोड़ा बॉईल होने देते हैं। चलिए अब हम देखते हैं कि ये वाटर हमारा बॉईल हो रहा है या नहीं। देखिए बॉईल हो रहा है। अब हम इसमें राइस को ऐड करेंगे। ऑलरेडी इसे वॉश अच्छे से 3 से 4 पानी से वॉश करके रखा हुआ है, भिगो कर रखा हुआ है। तो अब इसको हम इसमें ऐड करेंगे। अब हमने इसमें राइस ऐड कर दिया है। अब हम ऐड करेंगे सॉल्ट। सॉल्ट ऐड करके इसको इस तरह से मिक्स करेंगे। मिक्स करके इसको बॉईल होने देते हैं। गल रहा है, इसको इस तरह से लेके हम चेक करेंगे। देखिए इस तरह से दबा कर देखने पर अंदर एक बारीक सी तार जैसी दिखाई देगी, तो हम इसको स्ट्रेन कर देंगे, ठीक है? देखिए खिला खिला चावल बनाएंगे हम। देखिए इस तरह से दबा कर देखने से इस तरह से अंदर एक बारीक सी तार जैसी दिखाई देगी कि आपको कैमरे में दिखाई दे रहा है। देखिए अब हम इसको स्ट्रेन कर लेंगे। गैस को बंद कर देंगे और इसको स्ट्रेन कर लेंगे। इसको इस तरह से स्ट्रेन कर लेंगे। ये हमने इसमें से सारा वाटर स्ट्रेन कर लिया है। अब इसको हम इस तरह से ठीक से लेवल करके फ्लेम जो है एकदम स्लो पे रख के 10 मिनट का दम देंगे इसको, ठीक है? तो चलिए हम अब इसको चेक कर लेते। देखिए हमारा वाइट राइस बनके तैयार है। अब इसको सर्व करके दिखाती हूँ। कितना खिला खिला राइस बनके तैयार हुआ है ये देखिए। एक एक दाना भी कितना खिला खिला है। देखिए इसको आप काली मिर्ची के चार के साथ या फिर दाल के साथ सर्व कर सकते, किसी भी साइड डिश के साथ आप सर्व कर सकते हैं। इसके साथ आप 2 पापड़ तल के खाएंगे तो बहुत टेस्टी रहेगा ये। या अचार के साथ, या दाल के साथ, सांभर के साथ, किसी भी करी के साथ आप इसको मजे से सर्व कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।